हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए ब्रेड बनाने वाले हैं। घर पर ब्रेड बनाना बहुत ही आसान है। जैसे आप मार्केट से ब्रेड खरीद के लाते हैं, जैसा उसका टेस्ट रहता है, सॉफ्टनेस रहती है, सेम वैसे ही ब्रेड आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आज इसी रेसिपी को हम बनाने वाले हैं। इस रेसिपी को आप भी ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी ब्रेड कैसी बनी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले ब्रेड बनाने के लिए हम मैदा लेंगे। तो यहाँ मैंने 2.5 कप मैदा लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर, यानी 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून हम चीनी डालेंगे, 1 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून मैंने ईस्ट डाला है, यानी ड्राई इंस्टेंट ईस्ट डाला है। इन सभी चीज़ों को हम मिलाएंगे। अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है। एक बार फिर से हम सभी चीज़ों को मिला देते हैं। यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है, ये गुनगुना पानी है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और एक अच्छा सा डो तैयार कर लीजिए। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मिला सकते हैं। अब मैं इसे हाथ से मिलाऊंगी। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, डो हमारा गीला नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जैसे डो साना जाता है, आटा जैसे साना जाता है, सेम वैसे ही होना चाहिए। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब हम किचन के प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। अगर आप ऑयल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके जगह बटर यूज़ कर सकते हैं। बटर को मेल्ट कर लें और उसके बाद उसे यूज़ करें। मैंने डो के ऊपर भी 1 चम्मच ऑयल डाला है। अब इसे हम स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से अच्छे से सानेंगे जब तक डो चिकना नहीं हो जाता है। लगभग 10 से 15 मिनट लगता है इसे सानने में। तो पहले हम स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद उसे फोल्ड करेंगे। इसी मेथड से आपको पूरा आटा सानना है। बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हम इसमें ऑयल डालते रहेंगे और इसे अच्छे से सानेंगे। इसे लगभग हम 10 मिनट तक सान रहे हैं। अगर आपको सानने में दिक्कत हो रही है या आप पहली बार बना रहे हैं तो 10 से 15 मिनट इसे अच्छे से सानें और बीच में लगभग 3 से 4 बार इसमें ऑयल डालें। तो आप देख सकते हैं कि आटा बिल्कुल चिकना हो गया है। मैंने इसमें लगभग 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल यूज़ किया है। आप बटर यूज़ कर सकते हैं और आपका भी आटा इसी तरह बिल्कुल चिकना होना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं कि ये डो कितने अच्छे से सना है और बिल्कुल चिकना हुआ है। जब आप डो को इस तरह खींचेंगे तो ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं, बहुत ही आराम से खिंचता चला जाएगा आप जितना भी इसे खींचेंगे। और अगर आपका डो फट रहा है बीच से तो आप समझ जाइए कि आपको अभी थोड़ा और इसे सानना है, यानी और चिकना करना है। अब इसे हम अंदर की ओर फोल्ड करके बिल्कुल चिकना कर लेंगे। डो बिल्कुल चिकना हो गया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम एक बाउल लेंगे। तो ये मैंने पहले वाला ही बाउल लिया है। इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा रहे हैं। अब इसमें हम डो रखेंगे। तो डो को मैंने ऐसा रखा है कि दोनों तरफ रिफाइंड ऑयल अच्छे से लग गया है। आप देख सकते हैं कि डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आपका भी डो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आप इसे कपड़े से, प्लेट से या रैपिंग शीट से इसे कवर कर सकते हैं। अब इसे हम रख देंगे जब तक ये बिल्कुल डबल नहीं हो जाता है साइज़ में। लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा। आप इसे कहीं गर्म स्थान पर या जहाँ थोड़ी कम रोशनी आती है वहाँ रखें, जैसे अवन में रख सकते हैं, माइक्रोवेव या किचन में रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डो है साइज़ में बिल्कुल डबल हो गया है। अब मैंने इसमें पंच मारा है और डो से एयर को निकाल दिया है। अब हम किचन के प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी मैदे की डस्टिंग करेंगी और जो डो है उसे निकाल कर रखेंगी। डो को हमें बहुत ही हल्के हाथ से एक बार फिर से सानना है, लगभग 1 से 2 मिनट।
तो आप इसे बहुत ही हल्के हाथ से सानें, बस इसमें से एयर निकल जानी चाहिए, इतना ही आपको सानना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ डो फिर नॉर्मल हो गया है जैसे पहले था। इसी तरह का हमें डो चाहिए। इसे मैंने बिल्कुल चिकना कर लिया है। अब हम बेलन लेंगे और इसे बेलेंगे। इसे आपको बहुत ही हल्के हाथ से बेलना है। तो मैंने इसे बहुत ही हल्के हाथ से बेला है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं है, आपको भी इसी तरह बेलना है। अब मैंने ब्रेड टिन लिया है और इसे नाप लिया है, ये बिल्कुल सही बेला है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। तो बिल्कुल आपको एकदम टाइट फोल्ड करना है, इसमें गैप बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब मैंने इस तरह इसे दबाया है और इसे अच्छे से चिपका दिया है। इसे अच्छे से रोल करेंगे और बिल्कुल चिकना कर लेंगे। जहां से आपको खुला दिख रहा है उसे अच्छे से दबा कर बिल्कुल अच्छे से चिपका दें और इसे अच्छे से रोल करके एकदम चिकना कर लें। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल तैयार है और जितना बड़ा हमारा ब्रेड टिन है उतना ही बड़ा ये है। अब हम ब्रेड टिन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाएंगे चारों तरफ और जो इसका ढक्कन है उसमें भी हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा देते हैं। ये केक टिन 8x3 का है और 8x3 में 2.5 कप का रेशियो बिल्कुल सही होता है, तो आप भी यही केक टिन लें। अब इसमें हम डो डालेंगे जिसे मैंने रोल करके अच्छे से सेट किया है और इसे हम ब्रेड टिन में अच्छे से सेट कर लेंगे। तो मैंने इसे बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है और अभी ये और फूलेगा, बिल्कुल डबल हो जाएगा। तो इसे हम बंद कर देते हैं, यानी इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसे हम फिर से रख देंगे जब तक ये डो बिल्कुल डबल ना हो जाए। तो यहाँ जो ब्रेड का डो है वो साइज़ में बिल्कुल डबल हो गया है। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे, आप चाहे तो बटर लगा सकते हैं। इसके बाद इसे आप कवर कर दें, यानी इसके ऊपर ढक्कन लगा दें और इसे बेक करें। आप इसे अवन में बेक कर सकते हैं, कढ़ाई में या भगोने में बेक कर सकते हैं अगर आपके पास अवन नहीं है, और आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर भी बेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर पहले से प्रीहीट कर लिया है 180 डिग्री पर। अब इसे हम लो रैक पर रखेंगे टिन को और उसके बाद 180 डिग्री पर 30 मिनट तक बेक करेंगे। तो यहाँ जो ब्रेड है वो बेक होकर बिल्कुल बाहर आ गई है और बहुत ही अच्छे से बेक हुई है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाया है। हमें थोड़ा सा कलर इसका थोड़ा सा डार्क चाहिए, तो एक बार हम फिर से इसे 2 से 3 मिनट रखेंगे माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर। लगभग 2 से 3 मिनट आपको बेक करना है और बेक करने के बाद ब्रेड का कलर कुछ इस तरह हो जाएगा। अब हम ब्रेड को टिन से निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने रैक लिया है, साइड में हम चाकू से हल्का सा कट लगाएंगे, अगर ब्रेड हल्की सी चिपकी है तो वो आसानी से निकल जाए। इसके बाद इसे हम पलट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेड का कलर कितना अच्छा है, बिल्कुल अच्छे से ब्रेड बेक हुई है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। पर ये अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो इसे हम काटेंगे बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल जैसे मार्केट में ब्रेड मिलती है सेम वैसे इसका कलर आया है और बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट है। तो इसे हम ठंडा होने देंगे लगभग 8 से 10 घंटे। ब्रेड बहुत ही अच्छे से ठंडी हो गई है और ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसे हम काटेंगे। तो यहाँ मैंने ब्रेड नाइफ लिया है, ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और इससे ब्रेड या केक बहुत ही आसानी से कट जाती है। तो कुछ इस तरह आपको ब्रेड काटना है।
तो यहाँ ब्रेड बिल्कुल तैयार है, आप इसे सेक कर या सैंडविच इसके बनाएं और इसे सर्व करें। आप देख सकते हैं कि ब्रेड बहुत ही अच्छी बनी है, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ब्रेड की रेसिपी पसंद आई होगी। इस बार आप भी ब्रेड की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके पास ब्रेड टिन नहीं है तो नॉर्मल जो केक टिन आता है पतला वाला, उसमें आप ब्रेड को बेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो एक नई रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।